प्रीवियस वीडियो में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें देखी थी क्लोज्ड कर्व्स, ओपन कर्व्स और सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। तो एक हमने वहां जो शेप देखी थी वो थी ट्रायंगल, कुछ ऐसा ही था। ट्रायंगल्स और भी तरह के होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है। तो अगर बच्चों आप इस पिक्चर को गौर से देखें और इन थ्री साइड्स में से अगर हम इसकी एक साइड को हटा दें, कुछ देर के लिए हम इसे यहां से इरेज कर दें, तो हमें ये शेप कुछ ऐसी नजर आएगी। इज इट ओके? बिल्कुल ऐसी ही होगी। तो ये बताइए, ये दोनों लाइंस, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं, ये हमें एक सिंगल लाइन की तरह क्यों नहीं दिख रहे? हम इसे ऐसे भी तो मान सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इन्हें दो लाइन अलग अलग क्यों मान रहे हैं? तो इसका रीजन क्या है बच्चों, कि ये टू अलग अलग लाइन्स है और इनके बीच में एक स्पेस है, और ये जो स्पेस है ये इनके बीच में एक डिस्टेंस को बनाए हुए है, और इसे ही हम कहते हैं एंगल, जिसे हम हिंदी में कोण भी कहते हैं। तो अब ये एंगल्स कैसे होते हैं, इन्हें कैसे मेजर किया जाता है और ये कितने तरह के होते हैं, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल की परिभाषा। द स्पेस बिटवीन टू लाइंस और सरफेसेस दैट मीट्स मेजर्स इन डिग्री। दो लाइंस या दो सरफेसेस के बीच की जो स्पेस होता है, इसे ही हम एंगल कहते हैं और इसे डिग्री में मेजर किया जाता है। टाइप्स ऑफ एंगल्स। बच्चों आपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स में लेटर एल तो पढ़ा ही है। इस एल लेटर में इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, ये होता है राइट एंगल, और राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम आज जब जाने हैं वो है राइट एंगल, और राइट एंगल 90 डिग्री का। अगर ये दोनों लाइंस 90 डिग्री से कम के एंगल में हो, मीन्स ये एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच का हो, तो आपका पिक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको ऐसा भी दिख सकता है। तो बच्चों देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री से कम है, एल की शेप से कम है, तो ये हमारे कहलाते हैं एक्यूट एंगल, मीन्स लेस देन राइट एंगल, और इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो देखा बच्चों, हमने अभी दो तरह के एंगल्स जाने, राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल। अब यही हमारी एल शेप की लाइन, एक हमारी बेस लाइन है जो तो अपनी ही जगह रहेगी, लेकिन जो एल की ऊपर वाली लाइन है इसे हम 90 डिग्री से ज्यादा कर दें, इट मीन्स कुछ इस तरह से, तब जो हमारा एंगल ड्रॉ हो रहा है इट इज मोर देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन राइट एंगल, और इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल। अब यदि हमारी बेस लाइन तो वही है और जो एल की ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन थी वो हमारी मूव करते करते कुछ इस तरह से आ जाए, जैसे घड़ी में जो दोनों हैंड्स होते हैं, एक 3 पर हो और एक 9 पर, तो कैसे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, तो हमें मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल। ये है आपका स्ट्रेट एंगल,
और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, मींस राइट एंगल 90 डिग्री, लेस देन राइट एंगल और मे बी से एक्यूट एंगल जिसे आप कह सकते हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच में। थर्ड, मोर देन राइट एंगल या जिसे आप ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं वो होगा आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच का। लेकिन जैसे ही ये 180 डिग्री हुआ इट विल से स्ट्रेट एंगल। तो आई होप आपको एंगल्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ आपको इन पिक्चर्स में गिवन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ये राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या फिर लेस देन राइट एंगल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।